हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सप्तम श्रेणी पिला माने, आज आम तुम गणित बहीर अभ्यास कार्य 9.2 रो प्रश्न उत्तर गुड़िक डिस्कशन करवा है। तो देख ये जो दे सर्वसम्मता बा दुईटी सामंतलिक चित्रर है सर्वसम्मता है। तो देख सर्वसम्मता सर्वसम्मता कहले आम कौन देखा ना सबकि सामान र। तो देख मुझे तुमको गोटे उदाहरण देखिए देख है देख जो सी डी जे है दुईट चित्र को देख है ए दुईट चित्र को देख है देख प्रथम जो दुईट ये चित्र दुईट दे तो यहाँ देख तुम देखने आराम से कह ए चित्रटी जहाँ ए चित्रटी से कारण ये चित्र पूरा सामान अच्छे। तो जेहेतु ये दुईट कौन वर्ग चित्र, तो देख आर जी बाहर दैर्घ्य 4 सेमी होता है तो आर भी बाहर दैर्घ्य जब 4 सेमी हुए तो समस्त बाहर दैर्घ्य है 4 सेमी। तो जेहेतु ए वर्ग चित्र सहित तो ए वर्ग चित्र पूरा सामान, तो यही दुईट चित्र को आम कह चित्रदय कौन सर्वसम्मता है। कि देख द्वितीय चित्र जो दे त्रिभुज, यही त्रिभुज देख ये भी गोटे त्रिभुज, ये गोटे त्रिभुज, किंतु यहीटा देख तुम्हें जापर यहीटा हूँ गोटे समबाहु त्रिभुज, यहीटा हूँ गोटे सम द्विबाहु त्रिभुज है। तो देख एटी आम जब देखा आर ये गोटे कोण अच्छी 90 डिग्री है, किंतु आर कौन कोण देख 90 डिग्री ना। तो जेहेतु ये त्रिभुज सहित त्रिभुज भाई देखा किंतु आर सबकि सामान ना, तो आम जाना ये चित्र दुईटे सर्वसम्मता नुहे है। तो देख देख ये जो दुईटा रेखाखंड देचे देख प्रथम चित्र दुईट रेखाखंड देचे ए बी आउ सी डी आउ द्वितीय चित्र देचे पी क्यू ओ आर एस है। तो पिला माने तुम माने मते कमेंट करी कह तो यही दुईट चित्र मध्य क्यों चित्र सर्वसम्मता सर्वसम देख दुईट रेखाखंड सर्वसम परीक्षा करने तले जा कम करवा है। तो देख क्यों रेखाखंड दुईट सर्वसम तुम मैंने कह। तो देख जदि पी क्यू को देखा पी क्यू जितक पी क्यूर दैर्घ्य जितक आर एस रैर्घ्य से नुहे, तो ये तो आम सर्वसम नुहे, किंतु ए बी रैर्घ्य जितक हम सी डी रैर्घ्य से हम। तो तुम मैंने तुम बही रे स्केल रे मापिब है। तो देख जदि दैर्घ्य सामान हो जान ये रेखाखंड दुईट सर्वसम। तो देख आम अनुमान देखिक भी कहीपर ए दुईट आमर सामान देखा है, तो मैंने ये दुईट सर्वसम है। तो ये देख अभ्यास कर अभ्यास आहरी सहजरे बुझिपर है। तो देख ये देखिए कोण, तो देख प्रथम चित्र कोण दे 60 डिग्री, द्वितीय चित्र दे 60 डिग्री, तृतीय चित्र दे 40 डिग्री। तो तुम मैंने कहींपर ये जो प्रथम दुईट चित्र जो दे ए बी कोण आउ क्यू कोण सामान दे, तो आम ए बी सी जो कोण है आ पी क्यू आर जो कोण है ये दुईट आम सर्वसम हे, कि तृतीय चित्रटी सर्वसम होना कारण तार परिमाण सामान हो। तो चलो एबे आम अभ्यास करवा है, अभ्यास आहरी सहज भाव बुझिपार है। देख अभ्यास कार्य 9.2 एक नंबर दे प्रतिजोड़ा चित्र मध्य गोटे चित्रर अबिकल नकल तैयारी कर, ताहाकू सेई जोड़ार अन्य चित्र उपरे थोई चित्र दुईट सर्वसम कि ना परीक्षा कर देख है। तो सी कही तुम ये चित्र कर चित्रटी को ये चित्र मध्य शोक देख देख पूरा अबिकल सामान देखा तो जानवे ये सर्वसम है। तो आम तो ये कम करवा ना ये देखिए कहींपर है। तो देख ये जो ए नंबर जो चित्र दे तो ये दुईटा सर्वसम हो कि ना, तो पाने तुम्हें मैंने कहीपर है कारण देख प्रथम चित्रटी जहाँ देखा द्वितीय चित्रटी पूरा डिटो से अच्छे किंतु सी टे बुले जाइला। तो जदि तुम बही बुले कि भी देख है तो तुम जापर ए चित्रटी जहाँ ए चित्रटी से मैंने आम कौन लिखा ना चित्रदय सर्वसम। तो देख बी चित्र जो दे चित्रदय सर्वसम होना कहीं ना, तो देख ये धर आम ये डी धरवा तो यहीटा जदि खाली दे था आम जान था सर्वसम, कितु गोटे देख मझे गोटे बाहरी गोटे तो यहाँ सर्वसम होना। तो देख सी सी चित्रदय सर्वसम हो कहीं एटा एन एटा जेड जदि हो जेडटा ओल्टईदे एन भाया तो ये सर्वसम हो। ये चित्र डी नंबर मध्य चित्रदय सर्वसम हो कहीं डिटो पूरा सामान देखा है,
किंतु इ चित्र हेबो नाय काई कि हेबो नाय देखो एटा देखो बड़ोटे अछि हला एटा किंतु छोटोटे अछि हला तो एटा सर्वसम हेबो नाय ए दुईटी मध्य हमर कोन सर्वसम हेबो नाय काई देखो एहार दैर्घ्य जेतिक एहार दैर्घ्य टिके कम लागुछि हला तो सर्वसम माने सब समान हेबा दरकार बुझि पारलो। दुई नंबर देख दी निम्नस्थ रेखाखंड गुड़िक मध्य क्यों गुड़िक सर्वसम परीक्षा कर हला तो देख यो चित्र दे तो यो चित्र दुईट मध्य तुम देख क्यों गुड़िक सर्वसम हेबो क्यों गुड़िक सर्वसम हेबो ना तो पाने तुमने कह आम कमी जाना ये चित्र दुटी सर्वसम हेबो बोली आम कमी जाना ना देख यो ए बी रेखाखंड सीडी रेखाखंड दे यदि यही दुईट रेखाखंडर दैर्घ्य समान हुए तो आम जाना चित्र दुईट कौन बा रेखाखंड दुईट सर्वसम तो आम से कौन करवा ना ए बी रो दैर्घ्य को आम मापिबा सी डी रो दैर्घ्य को आम मापिबा जदि दुईटर दैर्घ्य समान हुए तो आम जाना रेखाखंड दुईट सर्वसम तो देख या आम स्केल पकई धर मापिबा धर मनेकर एटार दैर्घ्य है दुई सेमी आउ सी डी रो दैर्घ्य है दुई सेमी तो आम जाना कौन रेखाखंड दुईट सर्वसम हला तो देख तुम्हें ए बी रो दैर्घ्य स्केल मापिले हे 2.3 सेमी है तो ए बी रो दैर्घ्य हूँ कितने 2.3 सेमी से भाई सी डी रो दैर्घ्य हूँ 2.3 सेमी तो मापिब तो देख जेहेतु दुईटर दैर्घ्य सामान है तो आम जान लें रेखाखंड दुईट सर्वसम तो आम आपको कमी लिखा देख ये लिख ए बी रेखाखंड सर्वसम सी डी रेखाखंड तो सर्वसम आम लिखा यही है देख ए बी रेखाखंड सर्वसम पर आम सामान दवा सामान पर जो सामान सर्वसम पर सामान देखर गोटे ये गार दवा तो लिखा सी डी रेखाखंड है तो जोटे सर्वसम होमें ये लिखा है तो ए बी सर्वसम सी डी तो आम देखा द्वितीय चित्र से भाई इ एफ दे जो जी एच दे तो मैंने स्केल मापिले देखिए हम इ एफ रैर्घ्य 2.3 सेमी हो किंतु जी एच रैर्घ्य 2 सेमी हो तो देख जेहेतु दुईटर दैर्घ्य सामान है तो आम जान लिख सर्वसम नुहे तो आम लिखा तेणु इ एफ रेखाखंड और जी एच रेखाखंड सर्वसम नुहति तापर जो तृतीय दे के एल तो के एल रैर्घ्य मापी देख 2.1 सेमी होम एन रैर्घ्य हूँ 2.1 सेमी तो देख यार के एल आम एन रैर्घ्य सामान है तो आम लिखा मत के एल रेखाखंड सर्वसम एम एन रेखाखंड बुझिपारल। तीन नंबर देख दी ए बी रेखाखंड अंकन कर जेपरी ए बी रो दैर्घ्य हूँ के 4.6 सेमी हेबो हला आउ सी डी अंकन कर जेपरी ए बी सहित सी डी सर्वसम हेबो तो देख सी आम कही ए बी रो दैर्घ्य दे 4.6 सेमी सी आम कही सी डी अंकन करवा ए बी मध्य अंकन करवा किंतु ए बी सहित सी डी सर्वसम हेबो हला तो देख दे सर्वसम हम सर्वसम मान सामान हम तो देख आम जेहेतु रेखाखंड दे तो ए बी रेखाखंड सहित जब सी डी रेखाखंड सर्वसम हुए तो आम जापर कि ए बी रैर्घ्य जितक है तो सी डी रैर्घ्य हम तो देख आम दुईट रेखाखंड अंकन करवा ना ए बी रेखाखंड अंकन करवा जार दैर्घ्य ना आम के 4.6 सेमी पुनः आम जो सी डी अंकन करवा तो तार भी दैर्घ्य ना आम के 4.6 सेमी कारण तो दुईट जाक रेखाखंड दैर्घ्य सामान हुए तो आम जाना दुईट जाक रेखाखंड सर्वसम तो जेहेतु सी दे दुईट रेखाखंड सर्वसम तो प्रथम रेखाखंड दैर्घ्य जी आमको दे 4.6 सेमी तो आम जापर द्वितीय रेखाखंड भी आम दैर्घ्य ना से 4.6 सेमी नहींक आम दुईट भाया रेखाखंड अंकन करवा ए बी अंकन करवा 4.6 सेमी नहीं सी डी अंकन करवा 4.6 सेमी नहीं तेज ए बी रेखाखंड सहित सी डी रेखाखंड सर्वसम हे तो तापर देख 4 नंबर है तो 4 नंबर बढ़िया क्वेश्चन दे देख निम्न प्रश्न गुड़िकर उत्तर लेख कर दे देख के सर्त दुईट रेखाखंड सर्वसम हेबो तो देख मु तुमको दौर ये गोटे रेखाखंड आउ ये गोटे रेखाखंड है तो तुम्हें किमी जान येखाखंड दुईटा सर्वसम अच्छी किमी जान जदि तुमको दि जाए कि जदि तुम्हें मापिक लिखिपार कि यो द्वितीय रेखाखंड दैर्घ्य हूँ 5 सेमी आ प्रथम रेखाखंड दैर्घ्य जदि हूँ 5 सेमी
जेहेतु दुईट रेखाखंड दैर्घ्य सामान तो एम यही दुईट रेखाखंड कौन है सर्वसम हे तो आम लिखा कौन लिखा ना रेखाखंड द्वयर दैर्घ्य सामान रेखाखंड द्वय सर्वसम होगा लिखिपर रेखाखंड द्वयर देख कौन लिखा ना रेखाखंड द्वयर दैर्घ्य सामान रेखाखंड द्वय सर्वसम हे बुझिपार तो तापर देख ख नंबर ख नंबर दे दुईट वृत्त सर्वसम होली किपर जान है तो देख वृत्त आम क्या नहीं अंकन करती व्यासार्ध को है तो ये देख यसार्ध केन्द्रबिंदु यहाँ है केन्द्रबिंदु केन्द्रबिंदु आम ये वृत्त अंकन करा व्यासार्ध नहीं गला तो मोर बंका हाथ तुम ये करनी है तो देख यहीटा धर वृत्त है तो ये दुईट वृत्त सामान होगा कथा मोर टे बंका जा ठीक अच्छे तो देख धर मु कह वृत्तर व्यासार्ध हूँ तीन सेमी आ जो वृत्तर व्यासार्ध हूँ तीन सेमी तो यहाँ आमर कौन केन्द्रबिंदु है तो आम गोटे व्यासार्ध को लेकिन वृत्त अंकन करती है तो दुईट वृत्त सर्वसम होली किपर जाना जदि दुईट वृत्तर व्यासार्ध सामान हुए तो आम जापर कि वृत्त दुईट सर्वसम बोली तो आम लिखा वृत्त द्वयर व्यासार्ध सामान वृत्त द्वय सर्वसम हे बुझिपार तो कौन लिख देख ना वृत्त द्वयर व्यासार्ध सामान वृत्त द्वय कौन सर्वसम हो तापर देख ग नंबर ग नंबर दे दुईट कोण सर्वसम होबार आवश्यक सर्त कौन है तो देख दुईट कोण दे सपोज मन कर ये गोटे कोण ये गोटे कोण तो मुझे यही कोण सहित यही कोण सर्वसम कितने हम जो सामान हम तो देख यही कोणर परिमाण जदि तीस डिग्री हुए तो यही कोणर परिमाण तीस डिग्री जदि तीस डिग्री हुए तो तेज यहाँ शहे तीस भावन तीस है कौन हम सर्वसम हम तो मैंने लिखा कोणर परिमाण है तो दुईट कोण सर्वसम होबार आवश्यक सर्त हूँ कोण दुईटर परिमाण सामान आवश्यक है कोण दुईटर परिमाण सामान आम जापर कि दुईट कोण सर्वसम घ नंबर केउ परिस्थिति रे दुईट वर्गचित्र सर्वसम हेबे तो देख आम जान वर्गचित्रर प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य सामान है तो जदि आम वर्गचित्रर प्रत्येक बाहुर दैर्घ्य यदि सामान देती तो मैंने यही तार प्रथम वर्गचित्र बाहुर दैर्घ्य यदि तीन सेमी हुए तो ये सब बाहुर दैर्घ्य तीन सेमी हम है तो जो आम द्वितीय वर्गचित्र लिखिया धर यार बाहुर दैर्घ्य चार सेमी तो आमर यही प्रथम चित्र सहित आ द्वितीय चित्र सर्वसम हम कि हेबनी तो आम जाना सर्वसम करने कौन करवा तो यहाँ को तीन सेमी जदि आम नहीं जा तो हम सर्वसम है तो आम जाना दुईट वर्गचित्रर है बाहुर दैर्घ्य जी आम सामान नि तो आमर वर्गचित्र सर्वसम होगा तो आम उत्तर लिखा दुईट वर्गचित्रर है लिखा दुईट वर्गचित्रर बाहुर दैर्घ्य सामान वर्गचित्र द्वय सर्वसम हे बुझिपार तो तापर देख पांच नंबर से भाई दुईट सर्वसम वृत्त अंकन कर गोटिकर अंतर्देश कला रंग और अन्यटीर अंतर्देश सबुज रंग दि तो देख तो पाने तुमने दुईट वृत्त अंकन कर देख यही दुईट वृत्त अंकन कर यहाँ केन्द्रबिंदु नहींक केन्द्रबिंदु व्यासार्ध को लेकिन वृत्त अंकन कर दुईट वृत्त अंकन कलापर है गोटे वृत्तर अंतर्देश कौन कर कला रंग दब है तो यार भितर टोटाल कला रंग दब है ये भितर कला रंग दब आउ द्वितीय चित्र द्वितीय वृत्त दब सबुज रंग यार भितर सबुज रंग दब है कौन कर देख क्वेश्चन देपर क नंबर सर्वसम वृत्त दुईटर व्यासार्ध को माप है तो देख तुम्हें जो वृत्त कर सामान व्यासार्ध को नहीं वृत्त कर तो ये केन्द्रबिंदु है तो यक मापिक लेख आर केन्द्रबिंदु व्यासार्धर दैर्घ्य मापिक लेख तो देख सी जो वृत्त ये वृत्त द्वर व्यासार्ध हूँ के दुई दशमिक दुई सेमी है तो मैंने यूठू एक हूँ दुई दशमिक दुई सेमी यार तो तापर देख ख नंबर दे वृत्त दुईटर व्यासार्ध मध्य कौन संपर्क अच्छे है तो देख वृत्त दुईटर व्यासार्ध मध्य कौन संपर्क अच्छे जेहेतु
ए वृत्तर व्यासार्ध हूँ 2.2 सेमी, द्वितीय वृत्तर व्यासार्ध भी से 2.2 सेमी। तो आम जानले वृत्त द्वयर व्यासार्ध सामान, तुम लिख वृत्त द्वयर व्यासार्ध सामान। तो तुम्हें जेकोसी व्यासार्ध नहीं कि भी वृत्त दुईट कर तो सामान जेहेतु वृत्त तो तुम व्यासार्ध सामान होगा। तो देख ग नंबर, ग नंबर देखिए वृत्त दुईटर व्यासोदय सर्वसम हेबे कि परीक्षा कर देख। तो देख ये जो आम वृत्त देला जेहेतु वृत्तर व्यासार्ध 2.2 सेमी, तो मैंने आमर कौन देख यही अधाटा देला 2.2 सेमी। तो आम व्यास पचाची व्यास हूँ आम कौन पूराटा पूरा संपूर्ण पूरा जोड़ी दबा है। तो यूठू एक जदि 2.2 सेमी, यूठ ये 2.2 सेमी हम तो जाच व्यासार्धर दुई गुण हूँ व्यास, व्यासर अधा हूँ व्यासार्ध। तो जेहेतु व्यासार्ध आमको सी दे 2.2 सेमी, तो आम व्यास के डबल हे तो मैंने 4.4 सेमी हे मान सामान हे। तो वृत्त द्वयर व्यास 4.4 सेमी, तेणु वृत्त द्वयर व्यास सामान है। तो देख घ नंबर, घ नंबर देपरी दुईट सर्वसम आयत चित्र अंकन कर, सेमकर परिसीमा मध्य कौन संपर्क अच्छी निर्णय कर। तो दुईट आम आयत चित्र अंकन करवा तो सेमकर परिसीमा देखा कौन हो जेहेतु देख दुईट सर्वसम आयत चित्र अंकन कर, सर्वसम मान तो आम जो आयत चित्र दुईट अंकन करवा समस्त दैर्घ्य मान दुईट आयत चित्र दैर्घ्य सामान ना प्रस्त सामान ना तेणी आम जहाँ भी दैर्घ्य नहीं पारती है। तो देख यही दुईट आयत चित्र अंकन कर तो यार दैर्घ्य जदि आम 4 सेमी नि आर भी दैर्घ्य आमको 4 सेमी नाक पड़ो कारण जेहेतु दुईट वृत्त सर्वसम दे। तो आम आर जब प्रस्त 3 सेमी ना आर मध्य प्रस्त 3 सेमी ना। तो देख जदि यही आयत चित्र प्रथम आयत चित्र दैर्घ्य 4 सेमी प्रस्त 3 सेमी हुए तो यार परिसीमा के 4 × 7 = 14 सेमी हम। तो द्वितीय चित्र दैर्घ्य 4 सेमी प्रस्त 3 सेमी जेहेतु सर्वसम तो यार परिसीमा सामान हम। तो आम जाना परिसीमा सामान बाहर। तो देख ये जो दे प्रथम आयत चित्र परिसीमा आम नहीं बाहर करवा कि बाहर करवा ना 2 × दैर्घ्य युक्त प्रस्त। तो दैर्घ्यटी आम नहीं 4.5 सेमी प्रस्त नहीं 3 सेमी है। तो देख 3 सेमी तो आम कौन करवा ना दैर्घ्यर प्रस्त मिसेवा है। तो 4.5 सेमी 3 सेमी मिसले हूँ आम 7.5 सेमी 2 × आम 15 सेमी। तो द्वितीय चित्र से हम कारण जेहेतु आम दैर्घ्य प्रस्त सामान अच्छी तो अर्थात आम जाने अर्थात से परिसीमा सामान हम है। तो आम नेक्स्ट भिडियो देखा त्रिभुजर सर्वसमता।